जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाए गए ओलंपियन सुशील कुमार की मुश्किलें जल्द ही और बढ़ने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोप पत्र तैयार कर लिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सागर धनखड़ की हत्या में ओलंपियन सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जल्द ही दिल्ली पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सुशील कुमार के साथ वह सभी 12 आरोपी भी इसमें शामिल हैं, जो गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल में बंद हैं। इसके अलावा अन्य आरोपी भी शामिल हैं। बता दें कि सागर हत्याकांड में कुल 18 आरोपियों की पहचान हुई है, जिनमें से 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस के हाथ केवल 12 आरोपी ही लगे हैं, बाकी के 6 आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के मुताबिक इस हत्याकांड में बेशक सुशील कुमार ही मुख्य आरोपी हैं, 4 पीड़ितों के अलावा छत्रसाल स्टेडियम के सुरक्षा गार्ड, मॉडल टाउन में रह रहे सागर धनखड़ के पड़ोसियों के अलावा शालीमार बाग इलाके में रह रहे कुछ लोगों के साथ तकरीबन 150 लोगों को गवाह बनाया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को अब तक आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। ऐसे में पुलिस ने FSL को पत्र लिखकर मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द ही भेजने के लिए कहा है। साथ ही अपराध अधिकारियों का यह भी कहना है कि सागर धनखड़ हत्याकांड में अभी मोबाइल आदि की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसे में दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी, इसकी भी तैयारी की जा रही है। बता दें कि 4-5 मई की रात को जूनियर पहलवान सागर के साथ ओलंपियन सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की थी। वही मारपीट में गंभीर रूप से सागर घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया था। इसमें 18 लोग आरोपी थे, जिनमें से 12 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की 6 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है।